या डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुंचते हैं। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग की लैब में सीबीसी जांच की मशीन भी खराब है, जिसकी शिकायत पंचायत समिति सदस्य पवन अग्रवाल ने सीएचएमओ से की है। चित्तौड़गढ़ के राजकीय चिकित्सालय में ड्यूटी पर महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ तीन लोगों ने मारपीट की। इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवारजनों ने नर्सिंग कर्मचारी के साथ मारपीट की। कर्मचारियों ने बीच बचाव कर महिला नर्सिंग कर्मी को छुड़ाया, जिसके बाद अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग करते हुए लगभग एक घंटे तक काम का बहिष्कार किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को समझाया, पुलिस ने भरोसा दिया, जिसके बाद नर्सिंग कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। अस्पताल में जैसा कि हमारे को शाम को अभी रात नाइट ड्यूटी में पता चला है कि जो स्टाफ कर रहे थे ट्रॉमा वार्ड में कमलेश, उसके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट और कहासुनी हुई है। ऑन ड्यूटी रहते हुए उसके साथ जो बदतमीजी करी है, तो जैसे ही हमें खबर लगी तुरंत यहाँ पर आए और सभी ने एक मत होकर के पुलिस प्रशासन को जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक जो व्यक्ति उनके साथ था उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, और बाकी दो उस समय जो फरार हो गए हैं उनकी तलाश जारी है, और जो भी कानूनी कार्रवाई नियमानुसार होगी उसके लिए कराने के लिए हमने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया, और डिप्टी साहब यहाँ पर खुद पधारे और सदर थाने के जो प्रभारी हैं वो भी आए हैं। तो मुझे आशा है कि जल्दी इनके साथ कोई ना कोई अच्छी सख्त कार्रवाई होगी, ताकि दोबारा ऐसी कार्रवाई यहाँ पर हरकत नहीं हो। वो पाली में डोडा